बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस मामले में फिलहाल अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। हालांकि नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जाति जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने बुधवार को इन पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जाति गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। सरकार ने नगर निकायों और पंचायत चुनाव में पिछली जातियों को कोई आरक्षण नहीं दिए जाने का भी हवाला दिया। लोक हित याचिका पर सुनाई कर करते जो फैसला दिए हैं, इंटीम ऑर्डर दिए हैं कि ऑन गोइंग कास्ट वेसरे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए और इसकी सुनवाई फाइनल सुनवाई 3/7/23 को मुकर्रर की गई है। तो अभी जो है अब गन्ना पर रोक लग गई, अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यही आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।